काफी टाइम से मुझे इस मूवी का इंतजार था हालांकि जब इस मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ था मुझे वो बहुत पसंद आया था उसके अंदर जिस तरीके के फैक्ट मुझे देखने को मिले थे मैं इसको लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड था कि यार ये ये जो मूवी आएगी तो यहां पर कितनी सारी चीजों को ये उजागर करेगी हालांकि कहीं ना कहीं एक डर भी था कि या ये इंसाफ कर पाएगी वीर सावरकर जी को लेकर क्योंकि जिस तरीके से इतिहास को छुपाया गया है या वीर सावरकर जी जो क्रांतिकारी थे उनके जो प्रयत्न को हमारे सामने नहीं लाने दिया गया तो क्या उसको सही ढंग से हमारे सामने रखा जाएगा हालांकि तीन घंटे की जो मूवी है मुझे लगता है कि यार ये टाइम भी कहीं ना कहीं कमी पड़ जाता है उन सब फैक्ट को दिखाने में बट फिर भी यहाँ पर जस्टिस किया गया है उन तीन घंटे के अंदर उन सब फैक्ट को दिखाया गया कि वीर सावरकर जी ने हमारे देश के लिए आजादी के लिए क्या क्या काम किया है उन्होंने उन्होंने अपने पर, उन... उन्होंने क्या उनके परिवार ने उनके भाई ने कितने ज्यादा बलिदान दिए हैं हमारे देश को आजाद कराने के लिए उनके क्या क्या प्रयत्न रहे हैं देखो मूवी में अंदर डेप्थ में जाने से पहले थोड़ा बहुत जो बाहरी चीजें हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहले जैसे मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो नो डाउट परफॉर्मेंस एकदम बढ़िया है आपको एक परसेंट भी कमी नहीं मिलेगी यार यहाँ पर थोड़ा कम है बिल्कुल भी नहीं आप रणदीप हुड्डा जी को देखें जो इस मूवी के डायरेक्टर भी हैं और जो मेन कैरेक्टर यानी कि जो वीर सावरकर जी उनका किरदार भी वही निभा रहे हैं उन्होंने बहुत जस्टिस किया है इन सब चीजों के साथ इवन आप जब रणदीप हुडा जी को देखेंगे वीर सावरकर जी के रूप में तो आपको कहीं पर भी ऐसा फेक नहीं नजर आएगा कि यार ये फेक है ये ओवर एक्टिंग ऐसा कुछ भी नजर नहीं आने वाला एक वो दृढ़ संकल्प नजर आता है उनके चेहरे पे उनकी आंखों में वो चमक नजर आती है उनकी आवाज में वो दम नजर आता है जब वो भाषण देते हैं या जब वो बोलते हैं तो एक क्रांति की लहर ऐसा लगता है कि यार वो अभी जाकर मतलब क्रांति ला सकते हैं इस तरीके की वो सब चीजें प्रतीत होती हैं जब आप इस मूवी को देखोगे वो उनकी परफॉर्मेंस आप देखोगे सिनेमेटोग्राफी बहुत बढ़िया है जो टाइम पीरियड हमें देखने को मिलता है वो हाँ उन्होंने एक अच्छा तरीके से हमारे सामने रिप्रेजेंट किया है साथ ही साथ एक वेल रिसर्च मूवी है थोड़ा बहुत जो मुझे कमी लगी देखो मैं कमी इस मूवी में नहीं लाना चाहता था तो बट एक जो एक चीज लगती है वो ये कि थोड़ा बहुत ये कलर वाइज मतलब थोड़ा डार्क सा आता है इसके अंदर कलर कलर को लेकर बाकी मैं तो नहीं कहूंगा कि वो कोई कमी है बस ऐसे ही थोड़ा बहुत मैंने आप लोगों को बता दिया अब आते हैं इस मूवी में हमें क्या देखने को मिलता है क्या वो जस्टिस कर पाती है या नहीं कर पाती उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं देखिए हमारे देश में जिस तरीके की विचारधाराओं को प्रमोट किया जाता है देश की आजादी से ही हम बात करते हैं तो एक जो सोचने वाली हमारे सामने बात आती है कि क्या कुछ लोग ही थे जिन्होंने देश को आजाद करा दिया वो सारा क्रेडिट ले जाते हैं क्या वो लोग नहीं थे जिनको आ, काला पानी की सजा हो जाती है उनको वहां पर जेल में बंद कर दिया जाता है उनका क्या वो कितने सच्चे थे कितने झूठे थे अब मरणोपरांत उनका विश्लेषण किया जाना क्या सही है क्या गलत है इन चीजों के बारे में सवाल जवाब होने बहुत ज्यादा जरूरी।, जरूरी है उनके ऊपर डिबेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है देखिए आज की जो जनरेशन की हम बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं ये सब चीजें डाल दी जाती है कि देखिए आप जिसको मान रहे हैं वो कोई क्रांतिकारी नहीं है वो माफी वीर है कांग्रेस पार्टी के द्वारा बार बार ये एलिगेशन लगाए ना कि वीर सावरकर जी जो है वो माफी मांगते हैं उन्होंने छह बार जो है पत्र लिखे थे और इन छह बार पत्र के दौरान उन्होंने कहा है कि मैं आपका नौकर हूं यानी अंग्रेजों का कहा है कि मैं आपका नौकर हूं मैं आपके प्रति एक वफादार रहूंगा इस तरीके की बातें उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखी है बार बार ये सब एलिगेशन लगाया जाना तो मैं ये नहीं बोल रहा ये सारे सबूत मौजूद है आप ऑनलाइन सर्च करेंगे आप सब चीजों को इन सब चीजों को आप मतलब प्राप्ति कर पाएंगे कि यार ये सब चीजें जेनुअन में हुई है उनके ऊपर एलिगेशन लगाए जाते हैं बट लेकिन कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात आती है वीर सावरकर जी जिन्होंने इतना बलिदान दिया और उनके इतिहास को छुपाए रखा गया या उनके ऊपर जो एलिगेशन लगाए जाते हैं कि उन्होंने तो माफी मांगी उनके विपरीत अगर हम बात करें कुछ लोग जिन्होंने क्रेडिट ले लिया पूरी आजादी का और उनको मतलब आप सोचिए अंग्रेजों की एक लाठी तक नहीं पड़ी उनको आ, जब वो जेल में जाते थे उनके इवन वो अपने कुक भी अपने साथ लेके जाया करते थे उनके पसंद का खाना बनाने के लिए उनको क्या पढ़ना है वो पढ़ने के लिए उनकी किताबें उनको कौन सी मंगवानी है वो सब चीजें पूछी जाती थी वो पूरी सहूलियत जो है उनको दी जाती थी वहीं वीर सावरकर जी को एक कोठरी के अंदर रखा जाता था उनको मतलब आप मूवी में देखिए वो बैठ ना पाए

एक रेल जेल के अंदर बंद कर देता हूं और आप तुम्हें जो चाहिए तुम्हें अपनी मर्जी का खाना चाहिए तुम्हें अपनी मर्जी का कुक लेके जाना है जो तुम्हारी इच्छा के अनुसार खाना बना के देगा तुम्हें क्या पढ़ना है तुम्हें सारी सहूलियत जो है वहां पे दी जाएगी तुम्हें वातावरण के अकॉर्डिंग उस जेल में रखा जाएगा वो कोई नहीं करने वाला

इतिहास में जाकर समझिए कि कैसे देश को आजादी मिली क्या जिन्होंने एक भी लाठी नहीं खाई जिन्होंने हमेशा अहिंसा की बात की क्या उस अहिंसा के मार्ग पर चलकर देश आजाद कर लिया गया कोई मजाक चल रहा है क्या भगत सिंह जैसे जो क्रांतिकारी थे उन्होंने मतलब सोचिए उनको पढ़ने के लिए किताब तक नहीं मिली थी उसके लिए उन, उन, उनको आंदोलन करना पड़ा था उनको किताब मिल सके वहीं कुछ लोग जो राजनीतिक अपने आप को प्रिजनर कहते थे राजनीतिक कैदी कहते थे उनको हर सुविधा दे दी जाती थी और हमारे जो क्रांतिकारी हैं उनको वो सुविधाएं नहीं मिलती थी उनको भूख हड़ताल करनी पड़ती थी और उस हड़ताल के दौरान भी मतलब उनके ऊपर क्या क्या किए जाते थे मूवी के अंदर बड़े ही बेबाकी तरीके से जो गांधी जी और सावरकर जी के बीच में जो बातें होती है होती हैं वो वार्तालाप है उसको बहुत अच्छे से दिखाया बिना तोड़े मरोड़े और एक जो चीज हमें देखने को मिलती है कि महात्मा गांधी उन सवालों के जवाब ही नहीं दे पाते जो वीर सावरकर जी जो उनसे पूछते हैं या फिर जो उनके विचार होते हैं उनके सामने वो टिक ही नहीं पाते हैं कैसे शुरुआत से कांग्रेस जो है वो अंग्रेजों का साथ देते आई इतिहास को आप पढ़िए आपको जानने को मिलेगा कैसे ये जो गर्म नरम दल है आपने इवन इतिहास पढ़ा है तो आपको तो थोड़ा बहुत तो इसके बारे में नॉलेज नॉलेज होगी एक नरम दल हुआ करते थे एक गर्म दल हुआ करते थे गर्म दल का हमेशा ये मत हुआ करता था कि अंग्रेज बातों से नहीं लातों से सुधरेंगे ये लातों से ही देश को छोड़ के जाएंगे वही नरम दल अंग्रेजों की उगुआई करता था वो अंग्रेजों के प्रति जो है वो वफादार होता था उनकी साइड लेता था तभी तो आप वर्ल्ड वॉर वन के दौरान देख लीजिए महात्मा गांधी ने क्या क्या चीजें लिखी अपने उन्होंने भारतीयों को अंग्रेजों के लिए लड़ने के लिए

पूरी उम्र अहिंसा और सत्य की बात की जिसने इस इंसान ने कभी भी किसी को मारने के पर मारने के लिए कुछ भी नहीं कहा उसकी हत्या गोली मार कर, कर दी जाती है और जिस इंसान से हमेशा हिंसा की बात की और उनकी जो मौत है वो एक तरीके से 1966 में भूख हड़ताल के दौरान हो जाती है और जो लोग बोलते हैं ना कि जो सावरकर जी हैं उन्होंने लिखी अपने आप को सर्वेंट कहा ये जो चिट्ठी हमारे सामने लेकर आते हैं वही मैं उन लोगों को बता देता हूँ थोड़ी बहुत रिसर्च भी कर लिया करू रिसर्च करोगे मैं कहीं अलग से रिसर्च नहीं करके आयू आप इंटरनेट पर रिसर्च कर लो ना इंटरनेट के रिसर्च करेंगे तब आपको पता भी चल जाएगा जहां पर गांधी जी के द्वारा खुद अपने आप को सर्वेंट कहा गया है कहा गया है कि मैं आपके लिए वफादार रहूंगा ये सारी चीजें वहां पे लिखी जाती थी और इसके पीछे फैक्ट ये होता है कि आप एक गुलाम देश में थे आप गुलाम थे आपका वहां पर वो मालिक हुआ करते थे अंग्रेज ये सच्चाई थी उस टाइम की तो उस वक्त आप अपने आप को बॉस तो नहीं लिख सकते थे ना कि मैं बॉस हूं मैं मालिक हूं ऐसा तो नहीं लिख सकते आपको लिखना तो उस वक्त का जो एक होता है ना कि आप एप्लीकेशन लिखते हो अपने प्रिंसिपल को तो जो एक क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया के अंदर वो चीज लिखी जाती है ना सेम वही हालात उस वक्त हुआ करते थे उसी क्राइटेरिया के अंदर वो चीजें लिखी जाती थी लेकिन आज की डेट में लोगों को बरगलाना उकसाना बहुत आसान हो गया है क्योंकि आप देखेंगे ना कि लोग पढ़ते कम है सुनी सुनाई बातों पे यकीन करके वीडियो बनाकर लोगों को उकसाने स्टार्ट हो जाते हैं तो इस सब चीजों से बचने की बहुत ज्यादा जरूरत है मैं तो इवन कहता हूं कि आप मेरी बात पर भी यकीन ना करें आप खुद जाए रिसर्च करें चीजों को जाने जितना पढ़ेंगे आप लोग उन लोगों से दूर रह पाएंगे या लोगों को समझा पाएंगे जो कहीं ना कहीं इन क्रांतिकारियों को जिन्होंने बलिदान दे दिए देश की आजादी के लिए जिनके परिवार ने इतनी यातनाएं सही आप उनको इंसाफ दे पाए मुझे एक डायलॉग बहुत ज्यादा पसंद आया इस मूवी के अंदर मुझे इवन पूरी मूवी पसंद आई है जो एक डायलॉग जो है वीर सावरकर जी के द्वारा इसमें बोला जाता है कहा जाता है कि लोग हमें कैसे याद रखेंगे क्या लोग हमें याद रखेंगे कि नहीं रखेंगे क्योंकि जिस तरीके की कोशिश की गई है हमारे देश में आजाद होने के बाद वीर सावरकर जी को लेकर उनके इतिहास को मिटाया गया आप कौन सा इतिहास आप कौन सी बुक पढ़ते हैं उसके अंदर वीर सावरकर जी के बारे में आपको देखने को मिलता कहीं पर भी नहीं काफी सारे लोग खिलाफ मिलेंगे गाली देते हुए मिलेंगे इवन हमने मैंने बहुत सारी चीजों के बारे में जब इस मूवी का रिव्यू मैंने देखा बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इस मूवी का रिव्यू किया जहां पर जो प्रोपोगेंडा है इस मूवी को बोल रहे हैं वहां पर जो है, उनको माफी वीर सावरकर जी उनको बोल रहे हैं कह के माफी मांगी है इंसान ने ये काहे का क्रांतिकारी ऐसी चीजें मैंने देखी है मेरी तरफ से तो इस मूवी को मैं टेन आउट ऑफ टेन दूंगा सारी चीजों के लिए जिसमें फैक्ट दिखाए गए जो चीजें हमारे सामने लाई गई जो इतिहास छुपा हुआ था उसको सामने लाया गया हमारे सामने और एक तरीके से जो कांग्रेस है उसकी जो स्टैंड जो उसका स्टैंड हुआ करता था वो भी हमारे सामने लाया गया है आप इस मूवी को जाइए खुद रिसर्च करिए खुद जानिए इन चीजों को देखिए क्या सच्चाई है क्या झूठ है आप खुद जानेंगे सब चीजों को आपको पता चलेगा और अब आ जाते हैं जो प्रोपोगेंडा कहने वाले जो लोग हैं मुझे तो लगता है कि ये जो लोग है ना प्रोपोगेंडा कहते हैं ये अपने आप को मूवी फैन बॉय कहते हैं हमें तो मूवी देखनी थी हम मूवी प्रेमी है और हमें ये क्या दिखा दिया इसमें तो प्रोपोगंडा है उनको इवन प्रोपोगेंडा का मतलब तक नहीं पता होगा प्रोपोगेंडा कहते किस को उन्होंने आज तक जो बॉलीवुड की जो मूवी आ रही थी उनको प्रोपोगेंडा नहीं कहा लेकिन वीर सावरकर जी के ऊपर एक मूवी आ जाती है जिसके अंदर फैक्ट दिखा दिए जाते हैं उसको एक प्रोपोगेंडा कहने लग जाते हैं ये वही लोग हैं जिनको सच्चाई नहीं पता होती जो इतिहास को एक बार भी पढ़ने की कोशिश नहीं करते ये सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर आते हैं और आपके सामने सब बकवास करना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि उनके पास ऑडियंस मिली हुई है वो तो बोलेंगे ना अरे ये तो प्रोपोकेंट है एक चीज ध्यान रखना जिसके ज्यादा फॉलोवर्स हैं जरूरी नहीं है वो सच बोल रहा है ये कहीं पर भी नहीं है आप खुद अपने दिमाग का यूज करिए आप खुद अपने आप को शिक्षित करिए खुद पढ़िए कुछ समझिए इन चीजों को तब जाके किसी को फॉलो करिए और जो लोग प्रोपोगेंडा प्रोपोकेंडा चिल्ला रहे हैं ना कि इस मूवी में प्रोपोगंडा है एक बार इनको बिठाकर आमने सामने इतिहास को लेकर भी चर्चा कर ली जाए ना मुझे नहीं लगता एक घंटा भी इनके ऊपर चर्चा कर पाएंगे क्योंकि इनको इतिहास पता ही नहीं है कांग्रेस को लेकर या फिर बीजेपी आर को लेकर फिर ये कहता है कि मैं आम इंसान हूं मैं तो ना बीजेपी से हूँ ना कांग्रेस से हूं अरे यह सब चीजें बकवास होती है कोई ना कोई इंसान किसी ना किसी आइडियोलॉजी के प्रति झुका हुआ होता है हंड्रेड परसेंट कोशिश हो रहा है कोई किसी आइडियोलॉजी को फॉलो करता ही करता है ये सब चीजें बोलना है कि भाई मैं इसको फॉलो नहीं करता मैं उसको फॉलो नहीं करता मैं तो एक काम ये सब चीजें होती है बकवास तो देखो यार मैं भावनाओं के अंदर बहुत कुछ बोल जाऊंगा और मुझे इस चीज को कंट्रोल करके रखना है और ज्यादा चीज लेंथी जो है वीडियो भी नहीं बनानी है ताकि आप लोगों को देखने में भी कष्ट ना हो तो बस यही रोकते हैं आने वाले टाइम में हो सके तो इसके ऊपर चर्चा कभी करेंगे बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे फिलहाल तो ओवरऑल मैं इस मूवी के बारे में कह सकता हूँ कि आप अपने साथ अपने परिवार को भी ले जाकर ये मूवी दिखाइए बच्चों को दिखाइए क्योंकि आने वाले टाइम में डेफिनेटली इन चीजों की जरूरत पड़ेगी एक राष्ट्रवाद एक जो क्रांतिकारी है उनको जाने राष्ट्रवाद क्या होता है उसके प्रति प्रेम क्या होता है उन सब चीजों को जाने तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में अगर आप लोगों ने मूवी देखिए तो कॉमेंट सेक्शन ओपन है अपने विचार जरूर लिखे तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद